प्रियंका चोपड़ा की बड़ी मुश्किलें। अवैध निर्माण पर बीएमसी ने भेजा नोटिस। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों बॉयफ्रेंड निक जोनस के साथ अपने प्रेम संबंधों को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस बीच प्रियंका एक नई मुसीबत में फंस गई हैं। जी हां, मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने प्रियंका को अवैध निर्माण करने पर कानूनी नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि बीएमसी ने उन्हें अंधेरी वेस्ट इलाके के ओशीवारा में दफ्तर और उसी के पास बने एक अन्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर कथित रूप से अवैध निर्माण करने पर यह नोटिस भेजा है। खबरें के अनुसार प्रियंका चोपड़ा ने यह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किसी को किराए पर दिया हुआ है, जिसमें अवैध रूप के कुछ बदलाव किए गए हैं। वहीं बीएमसी ने बताया कि इस मामले में उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा कई बार शिकायत मिली थी। स्थानीय लोगों ने बीएमसी को बताया कि प्रियंका के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जो स्पा है उसमें कई तरह के गैर कानूनी तरीके से बदलाव किए गए हैं। इसके बाद बीएमसी ने जांच में शिकायत को सही पाया। वहीं बीएमसी ने वास्तु प्रिसिंक्ट बिल्डिंग के परिसर की भी जांच की, जहां पाया गया कि प्रियंका चोपड़ा का परिवार बिल्डिंग परिसर को ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद बीएमसी ने उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म नलिनी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गौरतलब है कि प्रियंका चोपड़ा की यह फिल्म भारत के महान लेखक रवींद्रनाथ टैगोर की प्रेम कहानी पर आधारित है।